हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, हम लोग कर रहे हैं बुद्धि का चैप्टर और उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट। तो देखिए, हमने ये जान लिया था कि बुद्धि जो है क्या है। बुद्धि ऐसी शक्ति है जो कि हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि जो है सोचने की क्षमता है और योग्यता का अध्ययन है। तो हमने ये जाना। तो इसी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है 1885 में किसने किया था? गाल्टन ने किया था। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग 1890 में कैटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में किया। तो अब जो है बुद्धि का परीक्षण होना चाहिए, इसके बारे में सोचने लगे। तो सबसे पहले जो है कदम उठाते हैं 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किया, जो कि कैसा परीक्षण था? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था, यानी कि एक ही व्यक्ति पर एक ही समय पर होने वाला परीक्षण। ठीक है, तो जो कि उन्होंने 3 से 14 वर्ष के बालक जो थे उनके लिए किया था ये परीक्षण, जिसमें प्रश्नों की संख्या उन्होंने सबसे पहले 30 रखी थी और हर बच्चे को जो है 5 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ऐसा जो है उन्होंने परीक्षण किया बुद्धि को मापने के लिए। ठीक है, तो 1890 में कैटल जो थे इन्होंने सबसे पहले मानसिक परीक्षण शब्द का जब प्रयोग किया था, उसके बाद से लेकर 1905 तक कोई भी हलचल नहीं हुई मनोविज्ञान में। तो मनोविज्ञान में इसे बंजर काल कहा जाता है, 1890 से 1905 के समय, क्योंकि इस समय ना तो कोई मापन हुआ ना ही कोई परीक्षण हुआ। तो उसके बाद 1905 में सबसे पहला मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है, जो कि अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया। ठीक है, बुद्धि परीक्षण जो है दो प्रकार के हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है और दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो कि एक ही समय पर एक ही व्यक्ति पर किया जाए। ठीक है, सबसे जैसे कि 30 जो है वो बच्चे हैं एक कक्षा में, तो एक बच्चे पर एक समय में एक ही परीक्षण हो, उसके बाद दूसरे समय में दूसरा परीक्षण दूसरे बच्चे पर हो, तीसरे समय में, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो कि एक से अधिक व्यक्तियों पर एक ही समय में किया जा सके। ठीक है, और जब एक ही समय पे एक पूरे ग्रुप पर परीक्षण होगा तो समय जो है वो कम लगेगा। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की बजाय सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है वो अधिक वस्तुनिष्ठ कहलाता है। ठीक है, यहां पर जो है टाइम डिसाइड होता है, यहां पर कह दिया जाता है कि आपको जो है 5 मिनट में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं इस परीक्षण के दौरान। लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो होता है इसमें समय सीमा नहीं होती है, क्योंकि एक ग्रुप पर होता है और ग्रुप में सभी व्यक्ति समान हो ऐसा भी संभव नहीं है, इसीलिए समय सीमा जो है यहाँ पर निर्धारित ही नहीं की जाती है। तो सबसे पहले है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो शुरुआत कहाँ से होती है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की? 1905 में अल्फ्रेड बिने के व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से। ठीक है, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जिसमें सबसे पहले है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है? यानी कि जो कि पढ़े लिखे लोगों पर किया जा सके। तो सबसे पहला परीक्षण देखिए, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। 1905 में मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने साइमन की सहायता से पहला बुद्धि परीक्षण किया। ये परीक्षण जो है 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी था। इसमें प्रश्नों की संख्या सबसे पहले कितनी थी? 30 थी। ठीक है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में पहला संशोधन जो है 1908 ईस्वी में हुआ और इन प्रश्नों की संख्या को बढ़ाकर जो है कितना कर दिया? 59 यानी 59 कर दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद ही बिने ने जो है मानसिक आयु का जो कंसेप्ट है वह दिया था। दूसरा परीक्षण जो है 1911 में किया गया, जहां पर स्टर्न जो थे इन्होंने बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट दिया था। हमने पहले देखा IQ बराबर है MA/CA। तो इसमें जो है प्रश्नों की संख्या अभी कितनी थी? 59 ही थी। जब तीसरा संशोधन होता है तब जो है प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। तो जिसको हम देखेंगे, जो तीसरा संशोधन हुआ था जो कि टर्मन की अध्यक्षता में हुआ था, तो ये कहलाया स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। ये भी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण ही है। तो टर्मन की अध्यक्षता में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अमेरिका में जो है ये परीक्षण होता है 1916 ईस्वी में। इसमें जो है 90 प्रश्न थे, यानी बिने साइमन का जो बुद्धि परीक्षण था उसी को जो है संशोधन करके आगे बढ़ाया और प्रश्नों की संख्या को
बढ़ा दिया गया। ये जो है 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी था, परंतु संशोधन के बाद आयु जो वर्ग है 2 से 22 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी पढ़े लिखे जो थे उन्हीं को शामिल किया गया था। तो इसमें जो है प्रश्न कैसे थे, रिश्तों की समझ पर आधारित प्रश्न थे, किसी पशु पक्षी की जांच के प्रश्न थे। 1916 में अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में बिने ने साइमन परीक्षण में संशोधन कर प्रश्नों की संख्या आप कितनी कर दी थी, 90 कर दी थी, और इसका नाम जो है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या टर्मन बुद्धि परीक्षण रखा गया था। और ये जो परीक्षण है किस पर किया गया था, अमेरिकी बालकों पर किया गया था। कहां पर किया था, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, कहां पर है, अमेरिका में है, तो अमेरिकी बालकों पर यह परीक्षण हुआ था। 2003 में इसमें जो है पांचवा संशोधन होता है, रॉयड के द्वारा किया जाता है, और ये परीक्षण जो है अब 3 से 16 वर्ष के बालकों के लिए किया गया। तो समय समय पर इसमें जो है परिवर्तन हुए और इसमें जो है संशोधन किया गया। भारत में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में इलाहाबाद मनोविज्ञान शाला में संशोधन किया गया। भारत में जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है इसमें संशोधन जो है कहां पर किया गया, इलाहाबाद में। भारत में डॉक्टर सोहनलाल, डॉक्टर जालोटा, चंद्रमोहन बाहटिया, डॉक्टर लज्जा शंकर आदि ने विभिन्न बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया, ठीक है। तो नाम जो है वो आप ध्यान में रख सकते हैं कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो है डॉक्टर सोहनलाल, डॉक्टर जालोटा, चंद्रमोहन बाहटिया, डॉक्टर लज्जा शंकर, तो इनके द्वारा जो है बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया, कहां पर, भारत में। तो एग्जाम में जो है आपसे यही पूछा जाएगा कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कैसा परीक्षण है ये, तो ये व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का ही संशोधन रूप है, प्रतिपादक कौन थे स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के, टर्मन। नेक्स्ट देखें वेस्लर बुद्धि परीक्षण, तो वेस्लर जो है वो अमेरिकी मनोचिकित्सक थे। 1955 ईस्वी में जो है इन्होंने परीक्षण किया और इसका नाम था वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। तो इसमें जो है कितनी उम्र के व्यक्तियों को लिया गया, एडल्ट लिए गए 16 से 64 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों पर ये किया गया। इसमें 6 शाब्दिक और 5 अशाब्दिक भाग होते हैं, ठीक है। तो याद क्या रखना है इसमें कि वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जो है कब किया गया, 1955 में, और कितने उम्र के व्यक्तियों पर किया गया, 16 से 64 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों पर किया गया। और ये कैसा बुद्धि परीक्षण है, ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। वेस्लर ने दूसरा जो परीक्षण किया जो कि छोटे बच्चों के लिए किया, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, जो कि 1949 में किया, और इसमें जो है 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, 6 से 16 वर्ष तक के, इन बालकों पर ये परीक्षण किया, और इसमें 8 शाब्दिक और 7 अशाब्दिक भाग होते हैं। वहीं पर तीसरा जो परीक्षण किया इन्होंने, वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस WPPSI, जो कि 4 से 6 वर्ष की आयु वाले बालकों पर किया, और 2005 में जो है अंतिम संशोधन किया गया। तो देखिए हमने देखा कि वेस्लर ने जो है 3 परीक्षण किए जिसमें उन्होंने सभी उम्र के जो हैं बच्चे व्यक्ति उनको ले लिया। सबसे पहले जो उन्होंने 4 से 6 वर्ष की आयु वाले के बालकों पर जो किया, वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने 1949 ईस्वी में 6 वर्ष से अधिक और 16 वर्ष तक के बालकों पर किया, जिसमें 8 शाब्दिक और 7 जो है अशाब्दिक भाग होते हैं। और उसके बाद 1955 में 16 से 64 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों पर यह परीक्षण किया गया। शॉर्ट फॉर्म जो है वो आप ध्यान में रखेंगे, WAIS, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, WICSC, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, WPPSI, वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद देखें मिश्रित बुद्धि परीक्षण, इसके प्रतिपादक भी कौन है, डेविड वेस्लर हैं। 1939 ईस्वी में इन्होंने ये परीक्षण किया। ये परीक्षण 5 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए और 18 से 64 वर्ष के व्यक्तियों के लिए बनाया गया। इसमें 5 शाब्दिक और 5 अशाब्दिक उप परीक्षण होते हैं।
उसके बाद देखिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऐसा बुद्धि परीक्षण जो कि अशाब्दिक यानी कि जिसमें शब्द अंक ना हो, तो ऐसा परीक्षण कौन करेंगे? ऐसे परीक्षण जो है अनपढ़ लोगों के लिए ऊपर किया गया, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी होता है। तो सबसे पहला है पोर्टिलस भूल भुलैया टेस्ट। तो इसके प्रतिपादक हैं एस डी पोर्टिलस, जिन्होंने 1924 ईस्वी में ये टेस्ट किया। ये जो परीक्षण था ये 3 से 14 वर्ष के आयु के बालकों के ऊपर किया गया। तो इस परीक्षण में बालक को एक भूल भुलैया रास्ते में से होते हुए जो है अपने लक्ष्य तक जो है पहुंचना होता था, जो भी निर्धारित लक्ष्य दिया गया। ठीक है, भूल भुलैया जो रास्ता होता है, जो हमने अक्सर देखा है कि यहाँ पर जो है डिसाइड कर दिया गया कि इस जगह पर पहुंचना है, और भूल भुलैया रास्ता जो है वो टेढ़ा मेढ़ा था और यहाँ तक पहुंचना था। नेक्स्ट है कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। तो ये भी कैसा परीक्षण है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। 1923 ईस्वी में किया, इसके प्रतिपादक एस सी कोह थे। इस परीक्षण में क्या था? इस परीक्षण में 10 कार्ड होते थे जिन पर बनी डिजाइन को देखकर ब्लॉक बनाए जाते थे। इसमें प्रथम 5 कार्ड में 2 मिनट का समय और अंतिम 5 कार्ड में 3 मिनट का समय जो है दिया जाता था। तो बिल्कुल अनपढ़ और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जो है ये परीक्षण तैयार किया गया। पास एलॉग परीक्षण 1932 ईस्वी में एलेक्जेंडर पास के द्वारा ये परीक्षण किया गया। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 7 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया। और इस परीक्षण में क्या था? इसमें अलग अलग रंगों के गुटकों को बिना उठाए खिसकाकर डिजाइन बनानी होती थी। ठीक है, और इसमें 8 डिजाइन व 5 मिनट का समय होता है। तो ये परीक्षण जो है कितने वर्ष के बच्चों के लिए किया गया? 7 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया। फिर देखिए भारत में निर्मित परीक्षण, तो भाटिया बैटरी क्रियात्मक परीक्षण, ये ऐसा परीक्षण है जिसमें क्रिया की जाती है, यानी कि अनपढ़ जो लोग हैं, छोटे बच्चे जो हैं, उन पर ये परीक्षण किया जा सकता है। तो 1955 ईस्वी में भाटिया ने किया ये परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है ये। डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में ये परीक्षण किया। इस परीक्षण में 5 उप परीक्षण थे। 11 से 16 वर्ष तक के उम्र के जो है इन्होंने बच्चों को लिया। और इस परीक्षण में क्या था कि पर्दे पर बैटरी द्वारा चित्रों में अंतर बताने को कहा गया। तो एक जो है वो पर्दा लिया गया और बैटरी के सहायता से जो है इसमें चित्र जो है वो दिखाए गए और चित्रों में जो है अंतर बताने को कहा गया। ठीक है, तो ये कैसा परीक्षण है? ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। नेक्स्ट देखें, भारत में निर्मित परीक्षण एक और रहा जो कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, जो कि पढ़े लिखे लोगों पर किया गया। ये परीक्षण जो है बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल के आधार पर तैयार किया गया। तो इस परीक्षण का नाम भी यही रखा गया, बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस टेस्ट। 1922 ईस्वी में सी एच राइस ने लाहौर विश्वविद्यालय में ये परीक्षण किया। इसमें 35 कथन थे, 7 उपकथन थे। और कितने वर्ष के बच्चों पर किया गया? 5 से 16 वर्ष के बालकों पर ये किया गया। तो इस तरीके का जो है स्केल होता था जिसमें पॉइंट होते थे, तो जो बच्चा जैसा परफॉर्मेंस करता था उसके अकॉर्डिंग ही उसे उस पॉइंट पर रखा जाता था। ठीक है, जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता था उसे जो है उच्च पॉइंट स्केल पर रखा गया, जो सामान्य था उसे औसत पर, और जो सबसे कम परफॉर्मेंस दे पा रहा था तो उसको निम्न पॉइंट स्केल पर रखा गया। ठीक है, उसके बाद है निष्पादन बुद्धि परीक्षण। निष्पादन का अर्थ है कि किसी भी कार्य को करके देखना, यानी क्रिया करना, हाथों से किया गया कार्य। तो ये व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था जो कि हर एक व्यक्ति पर अलग अलग, और जो कि पढ़े लिखे ना हो और छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला परीक्षण था घन रचना परीक्षण, जिसे चित्र रचना परीक्षण भी कहते हैं। तो इसमें जो है कुछ चित्रों के जो है छोटे छोटे टुकड़े होते थे और इनको जोड़कर जो है एक पूरा चित्र का निर्माण किया जाता है। तो ये किसने दिया? गौ ने ये परीक्षण दिया। इसमें 3 मॉडल और 26 घन इसका प्रयोग किया गया। दूसरा है निष्पादन बुद्धि परीक्षण में ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। तो इसमें जो है ब्लॉक की सहायता से जो है क्या बनाना है? आकृति बनाना है। तो ये कोह ने दिया। 16 चौकोर बॉक्स जोड़कर एक एक करके जो है 10 आकृति को बनाना।
ठीक है, तो कोहो का जो ये परीक्षण है इसके जो है 17 मौलिक रूपों में इसमें से भाटिया ने केवल 10 रूपों का जो चयन किया था। नेक्स्ट है गुड एनफ का मनुष्य कर्षण परीक्षण ड्रॉ अ मैन टेस्ट। तो इसमें किसी भी मनुष्य की जो आकृति है उसको बनाने के लिए कहा गया, जो मानसिक रोगी होते हैं उनके उपचार के लिए ये परीक्षण जो है वह अच्छा माना जाता है। तो हमने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण देखे जो जिसमें कि एक ही समय पर एक ही व्यक्ति पर जो परीक्षण किया जाए। तो कुछ शाब्दिक बुद्धि परीक्षण देखे और कुछ अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण देखे। हमने देखा कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, वेस्लर बुद्धि परीक्षण, तो ये सभी व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण थे, ठीक है। और उसके बाद हमने अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण देखे, तो जिसमें हमने पोर्टिलियस का भूल भुलैया टेस्ट, कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, पास एलोक परीक्षण, भाटिया बैटरी परीक्षण, तो ये सभी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण थे जो कि एक एक ही टाइम पर एक ही व्यक्ति पर किए जाते हैं। फिर देखते हैं हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जो कि एक से अधिक व्यक्तियों पर एक ही समय पर हो सके। सबसे पहला है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जो पढ़े लिखे लोगों हेतु समूह पर किया जाए। तो सबसे पहला है आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण, ऑर्थर एस ओर्टिस इसके प्रतिपादक हैं, 1917 में ये परीक्षण किया। इसमें गणितीय संबंधी समस्याएं, सामान्य ज्ञान से संबंधित समस्याएं, शब्दों का संबंध आदि परीक्षण इसमें होते हैं। और ये परीक्षण जो है अमेरिका में सैनिक भर्ती के लिए किया गया, ये शिक्षित व्यक्तियों के ऊपर किया गया। जालोटा बुद्धि परीक्षण ये भी कैसा परीक्षण है, ये भी सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। एस जालोटा के द्वारा ये परीक्षण किया गया था। एस जालोटा द्वारा निर्मित 7 मानसिक योग्यताओं का मापक हेतु ये समूह परीक्षण है। इसमें जो समय है 20 मिनट का दिया गया, 100 प्रश्न इसमें लिए गए और यह 11 से 16 वर्ष के बालकों हेतु किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, 1919 में ऑर्थर एस ऑर्टिस ने ही दिया। ये अशिक्षित व्यक्तियों के लिए परीक्षण था। इसमें चित्र को पूर्ति यानी चित्र पूर्ति करना था, ठीक है। अधूरे चित्र जो हैं दिए गए व्यक्तियों को इनको पूरा करना था, ब्लॉक दिए गए जिनको जोड़कर कुछ बन सकता था, और भूल भुलैया जैसा परीक्षण इसमें होता था, ठीक है। तो ये सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था जो कि अशिक्षित व्यक्तियों के लिए किया गया। तो ये कुछ परीक्षण थे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, कौन सा परीक्षण किसने दिया, कौन सा व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, कौन सा सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो अंतर जो है देख लीजिए, मैंने आपको बताया भी था कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो है एक ही समय पर एक ही व्यक्ति पर होता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण एक से अधिक व्यक्तियों पर किया जाता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो है वयस्कों पर भी होता है, बच्चों पर भी किया जाता है, लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है जहां पर एक समूह के रूप में किया जाएगा तो वहां पर एज जो है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो यहाँ केवल वयस्कों पर किया जाता है, ठीक है। ये कम वस्तुनिष्ठ होता है और सबसे अधिक समय जो है इसमें लगता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति पर अलग अलग समय पर किया जाता है। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं, और एक ही जैसे कि एक पूरी जो जनसंख्या है एक एरिया की, तो उस पर परीक्षण किया जाता है और उसके बाद आसपास के जो एरिया है उस पर इसे लागू कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये अधिक वस्तुनिष्ठ कहलाता है, कम समय में परीक्षण हो जाता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यहाँ अधिक प्रशिक्षण की जरूरत होती है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में कम प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यहाँ पर समय सीमा जो है वो निर्धारित तो नहीं होती है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है यहाँ पर डिसाइड कर लिया जाता है कि टाइम जो है वो क्या रहेगा और कितने टाइम में ये परीक्षण हो जाएगा। तो यहाँ पर बुद्धि का जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में किस तरीके के पूछे जाएंगे, यहाँ पर सिद्धांतों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, जहाँ पर ऑप्शन आपके साइमन, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, टर्मन होगा, ठीक है। तो वहाँ आप आंसर क्या करेंगे, स्पीयरमैन करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से परिभाषाओं से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, तो ये कथन किसके हैं। तो हमने जो है बहुत अच्छे से याद किया था, अल्फ्रेड बिने ने कहा था कि बुद्धि जो है 4 शब्दों में निहित है,
ठीक है, पूछा जा सकता है कि बुद्धि का वैज्ञानिक मापन जो है वो सबसे पहले किसने किया, तो वहां पर भी नाम किसका आएगा, अल्फ्रेड बिने का आएगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला जो है वो परीक्षण किया था, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण उन्होंने ही किया था, तो इसीलिए वैज्ञानिक मापन सबसे पहले नाम किसका आएगा, बिने का आएगा। तो इस तरीके का जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि एक जो मैकेनिक है या एक इंजीनियर जो है उसमें किस प्रकार की बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या सामाजिक बुद्धि होती है, तो जहां आप मूर्त बुद्धि करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखिएगा, इन सबको बहुत अच्छे से जो है वो लर्न करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।